ना भाजपा कारण है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा पे आया हूँ। हम लोग ये मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन योजना प्रथम योजना थी और हम लोगों उत्तर प्रदेश में 59,000 स्वच्छाग्रही लगाई गई और हम लोगों का काम ये था गांव को खुले में शौच मुक्त करना, पुरानी प्रथा खत्म किया हम लोगों ने। और सरकार ने ये कहा था आप लोगों को प्रतिदिन 250 रुपए सब लगाएंगे। हम लोगों ने बड़ी कर्तव्य निष्ठा से अपने गांव को ओडीएफ कराया और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला स्वच्छ भारत मिशन में और 59,000 स्वच्छाग्रहियों की देन है, हम लोगों को प्रथम स्थान मिला। आज स्वच्छाग्रहियों के लिए कुछ होता नहीं रहा। मैं मुख्यमंत्री यही कहना चाहता हूँ हम लोग नियमित कार्य दें और नियमित मुझे मान दूंगी। और इसके पहले पूर्व मैंने यहाँ धरना दे चुका हूँ और यह आश्वासन दिया था आप लोगों को हम कुछ न कुछ करेंगे, उसके बाद तो कुछ ही नहीं हुआ और हम लोग मजबूर होके आए। बताइए तो आप लोग भी बच्चे हो क्या करेंगे, हम लोगों ने काम किया है पैसे नहीं मिल रहे हैं। अभी यहाँ मेरी किसी ने अधिकारी की बात हुई सर से सर ने मेरा ज्ञापन दिया है तो आगे क्या करेंगे। हम लोगों का ये है और हमारा अनिश्चितकालीन धरना है इको गार्डन में है और मैं यहाँ विधानसभा आया फिर मांगे नहीं पूरी होती तो मेरी मांगे नहीं पूरी हो तो मैं आत्मदाह करने के लिए भी धरना करूंगा।